बड़ी ईद की बड़ी खुशियां, अहलियान लाहौर को ईद मुबारक। ईद उल अजहा मजहबी जोश व जज्बे से मनाई जा रही है। शहर भर की मसाजिद, इमाम बारगाहों, ईदगाहों और पार्कों में नमाज ईद के रूह परवर इज्तिमा। मुल्क की सलामती, अम, खुशहाली और तरक्की के लिए खुसूसी दुआएं। बादशाही मस्जिद में नमाज ईद उल अजहा का रूह परवर इज्तिमा। स्टेशन कमांडर नेवी एसएम शहजाद समेत हजारों फर्जंदान इस्लाम की शिरकत। मुल्क की सलामती, खुशहाली के लिए दुआएं। मौलाना मुबशर निजामी ने ईद की नमाज पढ़ाई। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने जिलानी पाक में आवाम के साथ ईद नमाज पढ़ी। शहरियों से गले मिले, मुल्क की सलामती और खुशहाली के लिए दुआएं। वज़ीर आला पंजाब की अहले वतन को ईद की मुबारकबाद। ईद के रोज वज़ीर आला इन एक्शन, जो करप्शन करेगा बच नहीं सकेगा। गुड गवर्नेंस और तब्दीली नजर आएगी। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की दारू शफकत यतीम खाना आमद। बच्चों में तहायफ तकसीम, मिठाई भी खिलाई। वज़ीर आला पंजाब का मेंटल अस्पताल का भी दौरा, मरीजों से मुलाकात। सुप्रीम कोर्ट साकिब निसार ने गार्डन टाउन जामिया मस्जिद में नमाज ईद अदा की। मुल्क की सलामती, खुशहाली और अम के लिए खुसूसी दुआएं। पानी की किल्लत खत्म करने के लिए डैम बनाने का आज़म। शहबाज शरीफ ने मॉडल टाउन में ईद उल अजहा अदा की। हमजा शहबाज और सलमान शहबाज की भी शिरकत। मुल्क की सलामती और अम के लिए दुआएं। शहबाज शरीफ ने मुलाजमीन समेत सिक्योरिटी स्टाफ से ईद मिली। मॉडल टाउन ई ब्लॉक की जामिया मस्जिद में नमाज ईद का रूह परवर इज्तिमा। मॉडल टाउन सोसाइटी के सदर साहबजादा सैफ समेत अहले इलाका की शिरकत। मुल्क की सलामती, खुशहाली और अम के लिए खुसूसी दुआएं। साहबजादा सैफ शहरियों से गले मिले। जामिया नईमिया, ग्रेटर इकबाल पार्क और बागे जिना में भी नमाज ईद के बड़े इज्तिमात। वतन की खुशहाली, अमन और सलामती के लिए दुआएं। दाता दरबार की जामिया मस्जिद में नमाज ईद का बड़ा इज्तिमा। मौलाना रमजान सियालवी ने नमाज पढ़ाई। बहरिया टाउन मस्जिद, ऑस्ट्रेलिया मस्जिद, रेलवे स्टेशन में नमाज ईद की अदायगी। मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआएं। लॉकमेयर ने मियामीर गांव में नमाज अदा की। अमीर जमात इस्लामी सराजुल हक ने मंसूरा में नमाज अदा की। इमरान खान ने तकरीब में मसला कश्मीर का जिक्र नहीं किया। करप्शन फ्री निजाम चाहते हैं, सराजुल हक की गुफ्तगू। नासिर बाग में नमाज ईद का इज्तिमा। साबिक निगरान सूबाई वजीर जिया रिजवी नमाज ईद भी नमाज में शिरकत। हाफिज काजिम रजा नकवी ने नमाज ईद पढ़ाई। मुल्क की सलामती और अम के लिए दुआएं। ईद के इज्तिमा की सिक्योरिटी के लिए फूल प्रूफ इंतजाम। पुलिस जवानों ने पहले इज्तिमा को सिक्योरिटी दी, फिर खुद नमाज पढ़ी। पुलिस लाइंस कला गुजर सिंह में नमाज ईद की अदायगी। सीसीपीओ समेत पुलिस अफसरान और एहलकारों की शिरकत। सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी के लिए जानवरों की कुर्बानी। जामिया नईमिया, अनवार मदीना और मंसूरा समेत कई मुकामात पर इज्तिमाई कुर्बानियां। मुस्तहकीन में गोश्त तकसीम। जामिया अशरफिया में ईद के पहले रोज 50 बैलों की कुर्बानी। लाहौर न्यूज का ईद स्पेशल प्रोग्राम। सरहदों की हिफाजत पर मामूर, रेंजर जवानों के साथ ईद की खुशियां बांटे। जवानों के हौसले बुलंद, बूटों की धमक से दुश्मनों पर लरजा तारी। सुबह हो या शाम, रेंजर्स के जवान मुल्क की हिफाजत के लिए पुराज़। फनकार बिरादरी भी ईद मनाने में मसरूफ। अदाकारा रेशम की जानिब से बछड़े की कुर्बानी। मुस्तहिक अफराद में गोश्त तकसीम किया। Thank you.
पर अपने प्यारों की याद। मियानी साहब कब्रिस्तान में शहीदों की अपनी की कब्रों पर हाजिरी। फातह खानी फूलों के नजराने पेश किए। ईद पर सफाई प्लान का सफाया। सड़कों और चौराहों में आलाइशों के ढेर। लॉर्ड मेयर बरस पड़े। जीटी रोड और शालामार बाग में तहम शाहराहों के हंगामी दौरे। इंतजामिया को आलाइशें फौरी उठाने का हुक्म। कहा शहर के कुछ इलाके आज यतीम नजर आए। निगरान हुकूमत के फंड जारी न करने पर माली मुश्किलात हैं। मेयर की गुफ्तगू। अपने समेत LWMC को जिम्मेदार करार दे दिया। कमिश्नर का डूंगी ग्राउंड और मुल्तान रोड समेत मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। शहर में आलाइशें उठाने का अमल जारी। वॉल सिटी का भी सफाई ऑपरेशन। अंदरून शहर से 30 टन आलाइशें उठाने का दावा। कमिश्नर डॉक्टर मुश्तबा पराचा और DC अनवारुल हक के शहर के दौरे। भाटी चौक, लक्ष्मी चौक, एजर्टन रोड में दीगर आलाइशों के कलेक्शन मकामात का जायजा लिया। कमिश्नर ने कहा कि आलाइशों को SOPs के मुताबिक ठिकाने लगाया जा रहा है। ईद अयाम में सफाई इंतजामात की मॉनिटरिंग जारी रहेगी। मौसम का तड़का। शहर में वक्फे वक्फे से बारिश। ईद की खुशियों का बाला। डिफेंस, एबट रोड, इकबाल टाउन, शिमला पहाड़ी, गड़ी शाहू, लक्ष्मी चौक, केनाल रोड, कोटलक पर टाउनशिप में बादल बरसे। मौसम खुशगवार। ईद के तीनों दिन बारिश की पेशगोई। गर्मा गर्म पकवान, ऊपर से मौसम भी सुहाना। शहरियों ने पार्कों का रुख कर लिया। ग्रेटर इकबाल पार्क और जिलानी पार्क में शहरियों का रश। बच्चों की मौज मस्ती। बड़ी पर मजे मजे के पकवान। नाश्ते में कलेजी, दोपहर को कड़ाही गोश्त, टिक्का बोटी, बिरयानी और निहारी के मजे। शाम को बारबेक्यू और सीख कबाब खाने का प्लान। कीमे की तैयारी और रान रोस्ट के लिए फूड पॉइंट्स पर रश। बड़ी ईद पर गोश्त जरूर खाएं, मगर एतदाल भी जरूरी है। तिब्बी माहिरी ने खबरदार किया है कि एक दिन में 100 ग्राम से ज्यादा गोश्त खाना मुजरे सेहत है। मेदे, जिगर और अंतड़ियों की इंफेक्शन हो सकती है। सब्जाजार के इलाके में हुई अनोखी वारदात। सीनियर कानूनदान अकबर अली चौधरी के घर में कसाबों के रूप में डाकू दो बकरे जबा करके गोश्त ले उड़े। घर वालों के हाथ सिर्फ सिरिपाए आए। मुस्लिम टाउन से भी दो बकरे चोरी हो गए। ईद नमाज के बाद सियासी डेरे भी आबाद। सियासतदानों की डेरों और दफातर में कारकुनों से मुलाकातें। सिंहपुरा में परवेज मलिक, अली परवेज, चौधरी शहबाज और ख्वाजा इमरान नजीर ने ईद कारकुनों के साथ मनाई। मियां मुश्तबा शुजाउर रहमान की भी कारकुनों से मुलाकात। लाहौर न्यूज के संग जाकर लाहौर में फनकारों की कहकशां उतर आई। लाहौर न्यूज का बड़ी ईद पर बड़ा तोहफा। गुलकार वारिस बेग, जोजी अली खान और फरहाना मकसूद ने सुर बिखेरे। हुमैरा अरशद की गर्ल्स एंड ढोलना की भी खूब पजीराई।